महाराष्ट्र में जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार थी, हमारे लोकप्रिय नेता देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में राज्य के सारे नगर पालिका नगर पंचायत में जनता डायरेक्टली जनता से वोटर्स से नगराध्यक्ष का चुनाव होता था। 2017 में ऐसा निर्णय किया था। सरपंच का चुनाव डायरेक्ट जनता से होता था, उसके सारे रिजल्ट फ्रूटफुल आए। ग्राम पंचायत नगर पालिका नगर पंचायत में जो अस्थिरता थी वो स्थिरता आ गई। 5 साल में कोई अविश्वास प्रस्ताव का राजनीति वहां नहीं हुई, किसी को तोड़ने ओढ़ने का काम नहीं हुआ। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने जब इतना अच्छा निर्णय लिया था तो ये निर्णय बदलने का काम महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया और इससे असंतोष तैयार हुआ है। पूरे जनता में काफी रोष है। आने वाले 3 महीने बाद 4 महीना बाद सारे नगर पालिका नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव है। मैं आज एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री माननीय हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी इनसे डिमांड किए, हमने कहा है, विनती की है, मैंने लेटर भी भेजा है कि हमारे महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत और नगर पालिका नगर पंचायत के हमारे नगराध्यक्ष और सरपंच ये सारे जनता से होना चाहिए। जनता को और वोटर्स को लगता है कि मेरा सरपंच मैं चुनूं, नगर पालिका को लगता है वहां का वोटर्स को कि मेरा नगराध्यक्ष मैं चुनूं, क्योंकि डायरेक्ट जनता से उसको कनेक्ट होता है। वो कोई भी वार्ड में कम ज्यादा फंड नहीं देता, सभी वार्ड में सरीका फंड जाता है, सरीका विकास होता है। जब नगराध्यक्ष कोई वार्ड का बन जाएगा तो वार्ड का विकास करेगा, जब सरपंच कोई वार्ड का बन जाएगा तो वार्ड का विकास करेगा, लेकिन सरपंच पूरे जनता से बनेगा तो पूरे गांव का विकास करेगा। इसलिए अच्छा काम हुआ था। हम विनती करते हैं एकनाथ जी शिंदे और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से, आने वाले हाउस में विधानसभा के अधिवेशन होने वाला है, इसमें पहला अगर कोई कायदा लाना चाहिए तो ये कायदा लाना चाहिए कि आने वाले दिनों में जो सारे चुनाव होंगे, इस चुनाव में सरपंच जनता से होगा, नगराध्यक्ष और नगरपालिका नगराध्यक्ष भी नगरपालिका के जनता से होगा, ये हमारी डिमांड रहेगी। और मुझे विश्वास है हमारे दोनों नेता ये निश्चित रूप से इसके ऊपर निर्णय करेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।